फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन इमारतेस एंड पॉलीमेरिक सॉलिड्स। क्या आपने इन तीनों सॉलिड्स को डिस्टिंग्विश करना? और ऑलरेडी हमने फर्स्ट टॉपिक इसी पे डिटेल में डिस्कशन की हुई, सॉलिड्स क्या होते हैं और उनकी तीन टाइप्स कौन-कौन क्रिस्टलाइन सी। क्रिस्टलाइन सॉलिड, और क्रिस्टलाइन हमने क्या कहा था कि वेल अरेंज होते हैं तमाम लैटिस पॉइंट ऑर्डिनेट्स, ठीक है, और ये आर्डर लॉन्ग रेंज तक जाते हैं, ठीक है, इनके शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है, और जो क्लीविज प्लेन इनके, मतलब ये अगर हम किसी एक क्रिस्टल को कट कर दें तो जो न्यू प्लेन बनेंगे वो स्मूथ प्लेन बनेंगे, ठीक है, क्लीन क्लीविज इनकी होती है, क्लीन बिल्कुल। और नेक्स्ट के लिए एनिसोट्रॉपिक, इनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारी जो होती हैं, लाइट कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रिफ्लेक्टिवनेस एटसेट्रा, दे आर डायरेक्शनल डिपेंडेंट, ठीक है, तो आप ये गो थ्रू करने में फर्स्ट लेक्चर को आपको पता चल जाएगा डिटेल में। और सेकंड आपने क्या पढ़ा था, इमारतेस, ठीक है, अब इमारतेस हालत में, इमारतेस हालत समझ लो एक तरह से इसका ऑपोजिट, ठीक है, इसमें वेल अरेंज होती है, इसमें हैपेजर्ड अरेंजमेंट होती है, ठीक है, या फिर इररेगुलर अरेंजमेंट आते हैं, और इसके शार्प मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इसके कोई शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं होती, क्यों, क्योंकि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर सच टाइप ऑफ सॉलिड्स डिपेंड्स ऑन द रेंज ऑफ टेंपरेचर, अब हुआ रेंज ऑफ टेंपरेचर, ठीक है, खास टेंपरेचर से स्टार्ट होकर खास टेंपरेचर तक उसके अंदर, उस रेंज के अंदर सारे जो मतलब टेम्परेचर के पॉइंट्स आ रहे हैं वो सब है, लाइक आप प्लास्टिक को गर्म करें 10 डिग्री सेल्सियस से ये मतलब साफ होते 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 15 अप टू 20 पे जाके ये पिघल जाता है, तो 10 टू 20 ये पूरी रेंज इसके समझ लिया कर बॉइलिंग पॉइंट में इंक्लूड है, बट वो शार्प टेम्परेचर पे ही बॉइलिंग पॉइंट शो नहीं करता, ठीक, इसी तरह मेल्टिंग पॉइंट। और ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक शो करती है, आइसोट्रॉपिक, और इनके जो प्लेन्स होते हैं ये क्लीन क्लीविज नहीं है, और वैसे ये जो सॉलिड्स होते हैं हम क्या कहते हैं, ये सुपर कूल लिक्विड होते हैं या ग्लासी सॉलिड भी इनको कह सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट एग्जांपल्स भी हमने पढ़े, क्योंकि ये असल में होते हैं सुपर कूल लिक्विड जिनको हम सुडो सॉलिड्स कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट थर्ड हमने क्या पढ़ा था, पॉलीमेरिक सॉलिड्स, और हमने कहा था कि ये ऐसे सॉलिड हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक इन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमारफस होती है, ना तो वो 100% एमारफस होते हैं ना तो वो 100% क्रिस्टलाइन होते हैं, ठीक है, मीन के कुछ रीजन का सपोज करो कि ये हम बना लेते हैं और ये इस तरह की लाइक पॉलीमर्स के मिलने से बनती है, अब देखो यहां सपोज करो कि इसका ये वाला रीजन शो कर रहा है एक तरह से इररेगुलर बिहेवियर लाइक इमारतें सारी, और ये बीच वाला एक तरह से रेगुलरिटी है, वेल डन, ठीक है, ये क्रिस्टलाइन जैसा बिहेवियर शो कर, तो इट मींस कि कैरेक्टरिस्टिक इन बिटवीन क्रिस्टलाइन है मार्के सॉलिड्स होती है जो कि पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस के थ्रू पॉलीमर्स के मिलने से बनते हैं और वो मोनोमर्स के मिलने से बनते हैं और आगे उनकी रेंज भी डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, बट जो डायमेंशन होती है पॉलीमेरिक सॉलिड की वो इस चेन की डायमेंशन से, किसी भी एक सिंगल चेन की डायमेंशन से छोटी होती है, ये जो चेन पॉलीमर्स की चेन ही जिनके मिलने से ये बन रहे हैं ना, इनको फोल्ड जब हम करते हैं आपस में तो वो सारे, तो इनको जब एक किसी एक चेन को ओपन करोगे तो उसकी जो डायमेंशन जो लेंथ होगी वो पॉलीमेरिक सॉलिड की डायमेंशन से लाइक लेंथ से समझ लो ग्रेटर होगी, एक चेन टू आर मोर देन टू चेन जब आपस में कंबाइन होती फोल्ड करते हैं तब ये पॉलीमेरिक सॉलिड बनते हैं, ठीक है, आगे इनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमने ऑलरेडी देखी हुई,
तो वो आपने फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर ही गो थ्रू कर लिया। नेक्स्ट है डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। व्हाट आर देयर एसआई यूनिट्स? डिफरेंशिएट बिटवीन टेंसाइल, कंप्रेसिव एंड शियर मोड्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। के स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को पहले आप डिफाइन कर लें, फिर उसके एसआई यूनिट्स। तो ऑलरेडी यही ये चीज भी डिस्कस हो चुकी है, बट हम शॉर्ट ही देख लेते हैं। देखें हमें क्या पढ़ते हैं स्ट्रेस, के जब हम किसी भी सॉलिड मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये सारी चीजें हमने बोली थी कि जब हम किसी भी सॉलिड के किसी स्पेसिफिक एरिया पे फोर्स लगाते हैं तो उसकी कॉन्फिगरेशन में चेंज आता है। अब वो फोर्स जो उसके किसी स्पेसिफिक एरिया पे पड़ी, फोर्स पर यूनिट दैट एरिया इज नाउ एज स्ट्रेस। कि कितना दबाव उस पे हमने या कितना लोड उस पे हमने अप्लाई किया, वो लोड या वो दबाव वो क्या कहलाते हैं स्ट्रेस। अब उसकी वजह से आगे कितनी चेंज आई है उसकी कॉन्फिगरेशन में, बट नेट चेंज फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज में के उसकी ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन के लिहाज से अब कितना चेंज है, दैट इज फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज को हम कहेंगे स्ट्रेन, या फिर फ्रैक्शनल चेंज को आप ऐसे भी कह सकते हो एक यूनिट कॉन्फिगरेशन, जो उसकी एक यूनिट कॉन्फिगरेशन में कितना चेंज आ रहा है उसको भी हम क्या कहेंगे स्ट्रेस। तो स्ट्रेस भी क्या हो गया, स्ट्रेस स्ट्रेस में जो लोड हम अप्लाई करेंगे किसी भी सॉलिड में, तो स्ट्रेस में जो हम फोर्स लगा रहे हैं किसी स्पेसिफिक एरिया का गिवन सॉलिड, ठीक है, जिसकी वजह से आगे स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या कहते हैं स्ट्रेस। और इसको हम डिनोट किसे करते हैं, दिस डेल या सिग्मा। अब स्ट्रेंथ क्या होगी, स्ट्रेंथ आप स्ट्रेंथ को फ्लेक्शनल चेंज कह सकते हो। लाइक दिस सपोज करो कि मेरे पास सारे बॉडी में अब स्ट्रेंथ देखो परपेंडिकुलर टू एरिया भी लग सकती है, टेंजेंशियल टू एरिया भी लग सकती है, दैट डिपेंड्स क्या ना उस बॉडी की स्टिफनेस देखते हैं या उस बॉडी के एक तरह से हम देखते हैं कि वो कितना लोड बियर कर सकती है। तो ये अगर हम इस बॉडी इस एरिया के टेंजेंट लगाए तो पता चलेगी इसकी स्टिफनेस की कि कितना ये बेंड इजी हो जाता है या इजीली नहीं होता ये ऑब्जेक्ट जो भी है, ठीक है। तो अगर इसके परपेंडिकुलर आप लोड लगता है यहाँ तो तब ये स्ट्रेस ही है, लेकिन मोस्टली कुछ जो है बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है कि जो स्ट्रेस है या ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया, लेकिन ऐसा नहीं, ये डिपेंड करता है कौन सी स्ट्रेस है। शेयर स्ट्रेस में जो स्ट्रेस होती है वो एरिया के क्या होगी टेंजेंट, एरिया के क्या होगी टेंजेंशियल फोर्स। अच्छा अब ये सपोज करो मैंने ये लोड लगाया दैट इज स्ट्रेस, और इस लोड के यहाँ अप्लाई करने से ये इसकी डायमेंशन में कोई थोड़ी सी चेंज आएगी यहाँ से स्ट्रेंथ टोटल चेंज को नहीं शो कर, टोटल चेंज ही स्ट्रेंथ इसको शो कर दिया कि एक यूनिट लेंथ के लिए कितनी चेंज है, एक यूनिट लेंथ के लिए कितनी चेंज आएगी टोटल स्पेशल कितनी है। एक यूनिट लेंथ का मतलब क्या है कि अगर टोटल लेंथ एल उसमें टोटल चेंज आई डेल तो एक यूनिट लेंथ कितनी आएगी क्या टोटल चेंज को टोटल लेंथ से डिवाइड कर, बात समझ रहे ना। तो अगर मैं टोटल चेंज है डेल इसको टोटल लेंथ से डिवाइड कर तो ये आ जाएगी चेंज इन यूनिट लेंथ, तो चेंज इन यूनिट लेंथ हम क्या कहते हैं स्ट्रेंथ। लेकिन वो टेंसाइल और यूनिट इस तरह बाकी यूनिट वगैरह इसके आगे हम डाइट्स देखते हैं, बट स्ट्रेंथ को क्या करती है फ्रैक्शनल चेंज।
फ्रैक्शनल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, यहां मैंने जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखा। कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है? उसकी शेप, नॉट शेप। कॉन्फ़िगरेशन मीन उसकी किसी भी वैसे है वो कह सकते, उसकी शेप को कह सकते, उसके वॉल्यूम को, उसकी लेंथ, सब इसमें आते हैं। क्लियर है? अब आगे फिर जब हम देखेंगे सिर्फ लेंथ के लिहाज से चेंज, शेप के लिहाज से चेंज या फिर वॉल्यूम के लिहाज से चेंज, तो हर एक को अलग अलग से नेम दे देंगे। ठीक है, तो फिर इसकी आगे कितनी टाइप्स बन जाएंगी? तीन। एयर को हम क्या कहेंगे? एयर होस ट्रेन जो फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ दे। एयर फ्रंट लेंथ कितनी बढ़ रही है लोड अप्लाई करने से, कितनी कम हो रही है। ठीक है, इसी तरह एयर यूनिट वॉल्यूम में कितनी चेंज आ रही और शेप में कितनी चेंज आ रही। क्लियर? उसी बेस पे हम इसको कैटेगराइज कर दिया कि तीन डिफरेंट टाइप्स। तो एयर को हम क्या कहेंगे? टेंसाइल आर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में जो लेंथ में पर यूनिट लेंथ चेंज होता है, एक यूनिट लेंथ में कितनी चेंज आ सकती है स्ट्रेस अप्लाई करने से, और या टेंसाइल स्ट्रेन भी इसको कह सकते हैं। दूसरी कौन सी है? जो ये बताएगी कि पर यूनिट वॉल्यूम स्ट्रेस अप्लाई करने से कितनी चेंज आएगी, उसको हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और थर्ड वन जो ये बताएगी एयर का रेस्ट का बॉडी कितनी, मतलब उसके अंदर कितनी स्टिफनेस, ज्यादा है कम है, लाइक इन टर्म ऑफ शेप हम उसको डील करते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं शेयर स्ट्रेन। ठीक है, अब इसी तरह स्ट्रेस तो स्ट्रेस ही है, लेकिन वो स्ट्रेस जिसकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल या टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी उसको हम क्या कहेंगे? टेंसाइल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। उसी वजह से, और वो स्ट्रेस जिसकी वजह से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और वो जिसकी वजह से शेयर स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी शेयर। अब ये क्या बताया गया हमें? एक यूनिट लेंथ में कितनी चेंज है। ठीक है, लाइक टेंसाइल स्ट्रेन को आप कह दो डेल एल बाय एल। अगर मैं ये कहूं फॉर एल इज इक्वल टू वन यूनिट, तो मीनिंग चेंज कितना गई है एल यूनिट लेंथ, तो फिर स्ट्रेन किसके इक्वल हो जाएगी? एल इज इक्वल टू वन कर दो, देन स्ट्रेन इज इक्वल टू एल। बट ये स्ट्रेन आ गई स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ व्हेन वी अप्लाई stress or load, but this change in length for how much length of that object? For one. It means per unit length में कितना change आ रहा है? उसको हम कहेंगे tensile energy. और इस तरह per unit volume में कितना change आ रहा है? उसको हम क्या कहेंगे? Yes. अच्छा, तो इसी तरह पर यूनिट वॉल्यूम में एक यूनिट वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है स्ट्रेस अप्लाई करने से, उसको क्या कहेंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और इसी तरह शेयर स्ट्रेन। ठीक है, और शेयर स्ट्रेन अगेन आप वही लेक्चर देखने इसके बारे में हमने डिटेल में बताया है, हम बात की, लेकिन इसके यूनिट क्या होंगे? देखो ये फ्रैक्शनल चेंज है, तो इट मींस अब एक यूनिट में कितना चेंज आएगा वो भी लिंक होगी, तो लिंक का यूनिट बाकी पे लिंक था डायमेंशनलेस, यहाँ भी डायमेंशनलेस, यहाँ भी, इट मींस तो कोई यूनिट नहीं हो, कोई यूनिट नहीं हो। ठीक है, ये जो शेयर स्ट्रेन है एक तरह से ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी? शेयर स्ट्रेन के कितनी स्टिफनेस है, इसको हमने दो तरीके से वहाँ एक्सप्लेन किया था कि इन टर्म ऑफ लिंक या इन टर्म ऑफ एरिया आप लेके बता सकते हो। लाइक दिस, सपोज करो कि ये एक ऑब्जेक्ट ये आपके पास, ठीक, अब आपको इसकी ये सामने से ये वाली लेंथ नजर, ठीक है, आप इसकी स्टिफनेस देखना चाहते हो कि ये कितना स्टिफनेस इसके अंदर है, आप यहां से टेंजेंशियल स्ट्रेस इसका अप्लाई करते हो, ये इसको
कोई टेंजेंशियल स्ट्रेस नहीं है, सिग्मा अप्लाई ये इतना सा। ठीक, पहले इसकी क्या थी डेफिनेशन, ये लाइन। अब स्ट्रेस अप्लाई करने से इसकी लाइन कितनी होगी, कि पहले ये थी, अब स्ट्रेस अप्लाई करके ये यहां पहुंचे, स्ट्रेस अप्लाई करने से ये कहां पहुंचे, यहां। तो बीच में कितने एंगल बने, कितना एंगल ये बेंड हुआ, लाइन पहले यहां था, स्ट्रेस अप्लाई यहां पहुंच गया, तो कितने एंगल बेंड हुआ, थीटा। ठीक है, वो थीटा हम कैसे निकालेंगे, ये आगे ऊपर चेंज, आगे सिर्फ लेंथ को हम देखें, थीटा क्या होता है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, अगर ये इसकी आगे लेंथ तो ये ऊपर यहां से यहां तक आर्क है, तो आर्क लेंथ क्या है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिन। अब अगर ये लेंथ के टर्म में बताओगे तो भी ओके, लेकिन अगर ये आप समझो ये शीट एरिया, ये क्या है, इसको ओरिजिनल एरिया, ये यहां में टेंजेंशियल स्ट्रेस लगा, ये एरिया पूरा यहां पहुंच गया, एरिया की टर्म में अगर बताओगे तो ये आ गया ओरिजिनल एरिया, तो यहां से यहां फिर ऊपर भी तो ये शीट एरिया ही बनेगी ना, तो ये आ गया चेंज इन एरिया, तो डेल ए बाय ए, ये आ गया कि इसकी स्टिफनेस कितनी है इसकी। ठीक है, अगर से उस फॉर्म के शेप, ठीक है, शेप चेंज करने से लाइफ को बिल्ड करने के हमें कितनी स्ट्रेस चाहिए। ठीक है, ये एक तरह से बेंडिंग कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, लेकिन ये यूनिट कैसे होती है और स्ट्रेस के क्या यूनिट होती है, फोर्स पर यूनिट के क्या, सिंपल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आप इसको पास के भी कैसे। अच्छा, आगे वो क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएट करें, और डिफरेंशिएट हमने कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका, डिफाइन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, शो दैट the unit of modulus of elasticity and stress are the same, also discuss its three kinds. keh rahe hai modulus of elasticity ko define karo pehle, to modulus of elasticity kya hai, ye bhi material ki characteristic, modulus of elasticity kya hai, material ki characteristic hai jo hame kya batati hai, jo hame ye batati hai कि स्ट्रेस अप्लाई करने से किसी मटेरियल में कितनी चेंज आ सकती है, या कि चेंज लाने के लिए एक यूनिट स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए कितनी स्ट्रेस लेनी पड़ेगी। क्लियर, मतलब ये समझ लो, या मॉडुलस हमें ये बताते हैं कोई मटेरियल कितना लोड बेयर करने के लिए रेडी है, ठीक है, या उसकी इलास्टिसिटी कितनी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें क्या बताएगा, उसकी इलास्टिसिटी के बारे में पता देगा, इलास्टिसिटी के बारे में पता देगा तो इनडायरेक्टली वो हमें क्या बता रहे हैं कि वो मटेरियल कितना लोड बेयर करने की एबिलिटी रखते हैं, ज्यादा लोड बेयर कर सकते हैं, कम लोड बेयर कर सकते हैं, उसी बेस पे उस मटेरियल को फिर हम आगे डिफरेंट वैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, जहाँ उसका हमें मतलब यूसेज चाहिए, जहाँ डिफरेंट मशीनरी में जब हम मटीरियल से बनाते हैं तो कितनी हैवी मशीनरी बनानी है, उसमें कौन सा मटीरियल यूज करना है, वो कितना लोड उठा सकेगी, कितना नहीं उठा सकेगी, वो सारी चीजें वहाँ हम कहाँ से देखें, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दैट मटेरियल, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताएगी कि वो कितना लोड उठा सकता है वो मटेरियल जैसे आप कोई मशीन बना रहे हो। क्लियर, अब देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें ये बताएगा कि सपोज करो कि ये मेरे पास एक मटेरियल है मार्केट में, मैं कहता हूं कि एक यूनिट इस मटेरियल की लेंथ में चेंज तब आएगा जब इसके आगे 100 न्यूटन का लोड होगा। क्लियर, मी एक यूनिट लेंथ में चेंजिंग के लिए कितना लोड ये बेयर कर सकते हैं, 100 न्यूटन, तो इसका मतलब है इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, 100। ये दूसरी कोई वायर ले लेता हूं या कोई भी चीज, इसका अगर मैं वो 100 लोड रखता हूं तो इसमें एक यूनिट में चेंज नहीं आता, बल्कि चेंज इसकी कोई इसकी निस्बत कोई 10 टाइम्स ज्यादा आता है। ठीक, इसमें एक यूनिट लेंथ में चेंज आया, इसमें कोई इससे 10 टाइम ज्यादा आ रहा है, लाइक 10 यूनिट में चेंज है, तो फिर एक यूनिट में कितना होगा, 10 यूनिट, बात समझ रहे हैं, कि 100 न्यूटन लोड लगाया तो कोई 10 यूनिट इससे ग्रेटर चेंज आया, तो फिर एक यूनिट में कितना चेंज आया, 10, इट मींस इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना है, 10, के मतलब 10 न्यूटन जितना लोड लगा होगा तो उसमें लेंथ में एक यूनिट जितनी स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाए,
तो इसमें 100 न्यूटन जितना वेट लगा उतना बैग न्यूटन जितना चेंज है, तो हम ज्यादा वेट किसके साथ लटका सकते, कौन हेवी लोड उठा सकता है 100, जिसका आगे हम 100 न्यूटन का लोड लगाए और सिर्फ 1 न्यूटन में चेंज है, इससे आगे 100 लगा 10 न्यूटन जितनी लेंथ में चेंज होगा, इट मींस इसकी इलास्टिसिटी क्या है कम, ये कम लोड बेयर कर सकता है, इसकी इलास्टिसिटी क्या है ज्यादा, ये ज्यादा लोड बेयर कर सकता है, ये जल्दी टूट जाएगी और ये ज्यादा लोड बेयर कर लिया इसका लोड, तो इसलिए हम इसको हेवी लोड उठाने के लिए यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे हमें क्या बताते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या, कोई मटेरियल कितनी स्ट्रेस बेयर कर सकता है टू प्रोड्यूस अ यूनिट स्ट्रेन नॉट अ स्ट्रेन, टोटल स्ट्रेन में तो पता ही चलेगा ना, लेट्स सपोज के इस मटेरियल में आप लगाओ जी लाइक ये दो मटेरियल है, इसके आगे मैंने 1000 न्यूटन का लोड लगा, तो लेट्स सपोज इसमें इंटरमास लेंथ बात करते हैं, कितनी लेंथ में चेंज आए 100, ठीक है, ये मैंने एक और मटेरियल समझ लो कि ये मैंने कोई एक मटेरियल ये दूसरा मटेरियल, इस मटेरियल में मैंने 1000 न्यूटन का लोड लगाया लेकिन इसमें चेंज कितना आया कोई 1 जितना 1 न्यूटन, अब बताओ देखो चेंज तो दोनों में आया, हां चेंज अगर दोनों में आया तो दोनों में से ज्यादा लोड कौन बेयर कर सकता है, ये बेयर कर सकते हैं क्यों, क्योंकि 100 न्यूटन के लोड से इस में चेंज सिर्फ एक यूनिट आया और इस 100 न्यूटन के लोड से चेंज आया कोई 100 यूनिट, तो अब कंपेयर करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, सेम यूनिट वाला चेंज लाना पड़ेगा ना, अगर इसमें एक यूनिट 100 न्यूटन लोड अप्लाई करने से आएगा, इसमें एक यूनिट कितना लोड अप्लाई करने से आएगा, तो अगर टोटल चेंज आया 100 टोटल लोड ये है, तो एक यूनिट के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल लोड को टोटल चेंज से डिवाइड करके, तो 2 0 2 0 से कैंसिल, तो सिर्फ 10, क्या अगर 10 न्यूटन का लोड अप्लाई करो तो इसमें एक यूनिट जितना चेंज आ जाए, तो इसमें 1000, तो इट मींस ये 100 टाइम इससे ज्यादा इलास्टिसिटी रखता है, ज्यादा लोड बेयर करने के लिए रखता है, मीन इसका मॉडुलस इसकी नस्बत 100 टाइम्स है, बात समझ रहे ना, तो फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है कि कोई मटेरियल कितनी स्ट्रेस बेयर कर सकता है टू प्रोड्यूस अ यूनिट स्ट्रेन, तो इसको भी दूसरे लफ्जों में इफ स्ट्रेन इज 1 यूनिट, स्ट्रेन की कितनी वैल्यू 1 यूनिट, तो तब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो जाएगा स्ट्रेस, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें किसका पता देते हैं कोई मटेरियल कितनी स्ट्रेस बेयर कर सकता है, लेकिन कौन सी स्ट्रेस है जो सिर्फ एक यूनिट की स्ट्रेन प्रोड्यूस करे, सिर्फ एक यूनिट, ठीक है टोटल स्ट्रेस की बात नहीं हो, कि कोई मटेरियल एक यूनिट की स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए कितनी स्ट्रेस बेयर कर सकता है, वो उसके मार्ग उसी की बेस पर हम आगे सारी स्ट्रेस तक जाने के, कि अगर एक यूनिट के लिए इतनी स्ट्रेस बेयर करता है तो कोई 1000 यूनिट के लिए कितनी बेयर कर सके, कहाँ टूटेगा कहाँ जाके ये ब्रेक हो, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू द स्ट्रेस व्हिच इज अप्लाइड ऑन अ मटेरियल दैट प्रोड्यूस अ यूनिट स्ट्रेन इन दैट मटेरियल, अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा यूनिट, देखो स्ट्रेन इज यूनिटलेस, स्ट्रेन क्या है यूनिटलेस, तो इसका मतलब है जो यूनिट स्ट्रेस को होगा वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, क्योंकि स्ट्रेन में कोई यूनिट नहीं है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देखो ना फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय लेट्स फोर्स डिवाइडेड बाय कोई भी स्ट्रेन दे is equal to modulus of elasticity, अब ये चीज तो है ही यूनिटलेस,
क्योंकि ये फ्रैक्शन है ना, इससे कोई यूनिट नहीं, तो इट मींस जो यूनिट होगा स्ट्रेस का वही यूनिट होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दैट इज इक्वल टू पास्कल। अच्छा अब आगे क्या है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी, तो टाइप इसकी बेस पे होंगी क्या, हमने एक यूनिट स्ट्रेन के लिए स्ट्रेस देखी, अब एक यूनिट स्ट्रेन टेंसाइल हो सकती है, क्या एक यूनिट टेंसाइल स्ट्रेन के लिए कितनी स्ट्रेस चाहिए, उस पर क्या करेंगे, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस के टर्म में क्या है, यंग्स मॉडुलस, और एक यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए जितनी स्ट्रेस चाहिए उसको क्या कहेंगे, बल्क मॉडुलस, और एक यूनिट शीयर स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए जितनी स्ट्रेस चाहिए उसको क्या कहेंगे, शीयर मॉडुलस। क्लियर, तो ये तीनों आप इसको ठीक करने हैं कि यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस आर इसको कैसे शो करते हैं और शीयर मॉडुलस। ठीक है, तो यंग मॉडुलस क्या बताएगा, एक यूनिट टेंसाइल स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए कोई मटेरियल कितनी स्ट्रेस बेयर कर सकता है, एक यूनिट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए कोई मटेरियल कितनी स्ट्रेस बेयर कर सकता है, और एक यूनिट शीयर स्ट्रेन प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितनी स्ट्रेस चाहिए। क्लियर, अच्छा आगे ड्रा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ डक्टाइल मटेरियल एंड देन डिफाइन द टर्म्स इलास्टिक लिमिट यील्ड पॉइंट एंड यूटीएस। अच्छा क्या कह रहे हैं, ड्रा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर अ डक्टाइल मटेरियल, अब डक्टाइल मटेरियल कौन सी होती है, हमारे पास दो मटेरियल होते हैं, एक होते हैं ब्रिटल और दूसरे होते हैं डक्टाइल, जिनको मैलेएबल भी कहते हैं हम, लाइक जिनकी शीट्स बनाते हैं, और अब मतलब इन लिमिट ऑफ एटॉमिक साइज की शीट्स में हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक जिस तरह हमारी ये पाइप्स, ये जो छतें बनती हैं, ये सब क्या शीट्स की फॉर्म, क्या हम किसी को खींच कितना मतलब एक तरह से उसको शीट वाली फॉर्म में चेंज कर सकते, प्लास्टिसिटी उसके अंदर होनी चाहिए उस मटीरियल, तो उन सब को क्या कहते हैं, डक्टाइल, क्या जिनको हम परमानेंट चेंज करने के लिए स्ट्रेस अप्लाई करें और उनमें परमानेंट चेंज आए लेकिन वो टूटे, लेकिन दूसरी तरफ कौन सी होती, ब्रिटल, क्या परमानेंट चेंज करने की कोशिश करो वो टूट जाते, ठीक उनके अंदर ईगो टूट जाते, थोड़ा सा उनको अगर चेंज करने की कोशिश करो वो टूट जाएंगे लेकिन चेंज नहीं, दूसरी ये होती है उनके अंदर ईगो नहीं होती जब मोड़ मोड़ जाते। ठीक है, क्या लाइक आप स्ट्रेस टू स्ट्रेन कर्व बना दो, स्ट्रेस स्ट्रेन, अब देखो पहले तो हौसला लगेगा ना कि किसी मटेरियल का जितनी स्ट्रेस कितनी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, प्रोपोर्शनल लिमिट, ये क्या है यहां से यहां तक प्रोपोर्शनल लिमिट, फिर इसके बाद थोड़ी सी अगर हम और स्ट्रेस अप्लाई करें तो थोड़ी सी स्ट्रेन और प्रोड्यूस होगी, बट इस पॉइंट तक ये क्या है, ये वाली ये आ गई इलास्टिक साइड, क्या अगर इस स्ट्रेस को अब ये इस स्ट्रेस को अगर हम हटा दें, समझ लो ये आ गई इलास्टिक स्ट्रेस, इलास्टिक लिमिट के अंदर, तो ये बॉडी वहां चली आएगी वापस ओरिजिन, ऑल्दो ओरिजिन में 100% नहीं आती, इलास्टिक लिमिट से अगर जाएंगे तो विद अ परमानेंट सेट ये वापस आएगी, थोड़ी सी इसमें चेंज आएगी थोड़ी सी, लेकिन 100% अगर इलास्टिक लिमिट से हम स्ट्रेस डालें तो 100% ओरिजिनल विदाउट एनी परमानेंट सेट की बात बैक आ जाएगी। क्लियर, और इसके बाद क्या होता है, अगर हम मजीद स्ट्रेस अप्लाई करें तो थोड़ी सी स्ट्रेस से बॉडी में ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाती है, लाइक एक परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है, थोड़ी सी स्ट्रेस अप्लाई करें तो ये लाइट स्ट्रेस हमने कितनी अप्लाई की, ये यहां से यहां, लेकिन स्ट्रेन कितनी प्रोड्यूस होगी यहां से यहां, कितनी से, और ये है कि सिर्फ परमानेंट डिफॉर्म हो गया, अब अगर इसे ट्रेन को हम हटा दें तो ये वापस नहीं आएगा, ये वापस नहीं आएगा, इसको हम कहते हैं एक तरह से
अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, अब देखो ये वाला जो रीजन है ये आ गया प्लास्टिक रीजन, या ये रीजन है डक्टाइल मटीरियल के लिए। कौन से मटीरियल के लिए? डक्टाइल के, प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिसिटी ना, क्या एक तरह से मटीरियल को हमने परमानेंट चेंज कर लिया था, वो ब्रेक नहीं, ब्रिटल तो यहाँ इसके बाद टूट जाए, उनमें प्लास्टिसिटी नहीं है, इसको हम कहते हैं प्लास्टिक रीजन। और ये किस मटीरियल के लिए सिर्फ हो सकता है? डक्टाइल के, ब्रिटल मटीरियल के लिए इसको फॉर्म नहीं कर। लेकिन इसमें मटीरियल की क्या होती है, मतलब मटीरियल जब हम खींचेंगे तो उसमें शक्ति, मतलब हार्डनेस आएगी या सॉफ्ट होना स्टार्ट होगा? खींचते नहीं तो हार्डनेस आएगी, ठीक है ना, पहले हार्डनेस आएगी तो इट मींस ये वाला रीजन दूसरी तरह से ये क्या होता है, हार्डनिंग ऑफ मटीरियल। ठीक है, तो यहां से यहां पर मटीरियल की हार्डनिंग होती है, एक तरह से वो शीट में चेंज होता है लेकिन सख्त हो जाता है, जैसे कि शीट सीन वगैरह वगैरह आप लोग देखो सख्त होता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर मजीद अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस के बाद मजीद अगर हम अप्लाई करें फिर निकिंग स्टार्ट हो जाती है, साफ होता है और निक, मतलब वो पतला होती है, निक बनती होती जाता है वहीं निक। ठीक है, तो एक तरह से कुछ दूसरी रीजन हम क्या कहते हैं, सॉफ्टनिंग या निकिंग ऑफ मटीरियल, कि वो पहले तो हार्डनेस में फिर अगर मजीद खींचेंगे तो एक तरह से बीच में क्या बनना चाहिए, वहाँ एक जगह से एक खास रीजन से वो पतला होना स्टार्ट होगा और वहीं से टूट जाएगा निकिंग, ठीक है, उसको हम निकिंग या सॉफ्टनिंग भी कह सकते हो, इसमें अगर सॉफ्टनिंग हो गया बट एयर लास्ट पॉइंट पे जाके ब्रेक डाउन। लेकिन उस तरफ हम नहीं जाते, सिर्फ हमने ये प्लास्टिक रीजन की बात करें। तो ये हमारे पास आ गया इसका ग्राफ। आगे क्या कह रहे हैं, एंड देन फाइंड द टर्म्स, डिफाइन द टर्म्स इलास्टिक लिमिट। अब इलास्टिक लिमिट के कौन सी है, ये वाली। तो इलास्टिक लिमिट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इलास्टिक लिमिट क्या हो, इलास्टिक लिमिट इज द लिमिट फॉर अ मटेरियल देयर शोज बाय द रिमूविंग ऑफ अप्लाइड लोड और स्ट्रेस मटेरियल फ्रॉम बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन। क्या अगर हम रिमूव कर दें स्ट्रेस तो मटेरियल किस में आ जाएगा, ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन गेन कर लेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिक। दूसरा कहता है कि यील्ड पॉइंट को, यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट में कोई खास फर्क नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत फर्क है। देखो एक ये है कि हमने ये इतना सा स्ट्रेस अप्लाई किया और छोड़ेंगे दो बैग, दूसरा भी यही है कि मतलब थोड़ा सा और अगर स्ट्रेस अप्लाई करो तो थोड़ा सा बेहतर से, लेकिन उससे मजीद बढ़ाओगे तो वो परमानेंट है। यील्ड पॉइंट और इलास्टिक लिमिट मतलब सेम ही है सब, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क है। यील्ड पॉइंट मतलब इलास्टिक लिमिट की आखिरी लिमिट कुछ होगा, तो उससे मजीद भी अगर थोड़ी भी बड़ी प्लास्टिक लिमिट में चला जाए मीन परमानेंट डिफॉर्मेशन, बात समझ रहे? तो फिर हम यील्ड पॉइंट को कैसे बताएंगे, यील्ड पॉइंट यहाँ ही, ठीक है, तो यील्ड पॉइंट को हम कैसे बताएंगे कि यील्ड पॉइंट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस डेटा मटीरियल कैन बेयर विदाउट परमानेंट डिफॉर्मेशन। क्या करो, उसे थोड़ी सी भी ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगी तो मटीरियल फिर चल जाएगा, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो परमानेंट डिफॉर्मेशन से बस जस्ट पे, उससे अगर मजीद थोड़ी सी भी हम स्ट्रेस और अप्लाई करेंगे तो मटीरियल प्लास्टिक रीजन में चला जाएगा। प्लास्टिक रीजन और इलास्टिक रीजन की जो बाउंड्री पे स्ट्रेस होगी ना वो यील्ड पॉइंट है, वो स्ट्रेस को कौन देता है, यील्ड पॉइंट। समझ लो प्लास्टिक और इलास्टिक दोनों की बाउंड्री पे जो स्ट्रेस है, उससे अगर उस बाउंड्री से थोड़ी ज्यादा करेंगे तो प्लास्टिक नहीं करेंगे तो इलास्टिक ही होंगे, इन दोनों को एक तरह से सेपरेट करने वाली जो स्ट्रेस है वो ही। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो, ये वाला,
ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो मटेरियल बियर कर सकते हैं विदाउट ब्रेक, इससे थोड़ी और अप्लाई करेंगे तो फ्रैक्चर हो जाएगा। क्लियर? तो ये आगे मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन बियर आर मटेरियल विदस्टैंड विदाउट इट्स ब्रेकडाउन, विदाउट इट्स फ्रैक्चर। कि मटेरियल फ्रैक्चर या ब्रेक विद बगैर जो मैक्सिमम स्ट्रेस या लोड वो बियर कर सकते हो उसको हम क्या कहेंगे? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अच्छा, नेक्स्ट, व्हाट इज मीन बाय अ स्ट्रेन एनर्जी, हाउ कैन इट बी डिटरमाइंड फ्रॉम अ फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। स्ट्रेन एनर्जी है क्या और इसको हम फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ से कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? तो ये हमने सारा किया होगा ऑलरेडी, किया होगा। अब स्ट्रेन एनर्जी को हम कहते हैं कि देखो लोड अप्लाई किया, लोड की वजह से स्ट्रेन जनरेट इस मटेरियल का था। अब ये स्ट्रेन जो जनरेट हुई है मतलब जो हमने लोड अप्लाई किया था उसने इसे वर्क किया और इसमें स्ट्रेन एक तरह से इसमें कंफिगरेशन में चेंज है स्ट्रेन वेक्टर पर, लेकिन वो जो वर्क वो है वो उस बॉडी के अंदर मौजूद एनर्जी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी या उसको रिस्टोरिंग एनर्जी कहते हैं या उसको इलास्टिक समाव वो वापस एकर से उस बॉडी को इलास्टिक रीजन में लेके जाती है। लेकिन ये याद रखना है कि स्ट्रेन एनर्जी सिर्फ किस रीजन तक होती है? विद इन इलास्टिक एनर्जी। तो एक तरह से वो एनर्जी होती है जो बॉडी को वापस ब्रेक लेकर आती है ओरिजिनल हालत में, ठीक। तो वो एनर्जी हम कहते हैं स्ट्रेन एनर्जी। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी? देखो कि जब हम मटेरियल पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं और मटेरियल में क्या प्रोड्यूस होती है? स्ट्रेन डिफॉर्मेशन। लेकिन बट विद इन इलास्टिक लिमिट ये जो डिफॉर्मेशन हुई होती है इसकी वजह से उस मटेरियल के अंदर क्या स्टोर होती है? एनर्जी, पोटेंशियल। और उस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है। तो ये याद रखिए ना, आपको एक फायर होने का अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड विद इन मटेरियल ड्यू टू deformation when stress is applied. What stress apply हम करेंगे? Within elastic. Elastic limits आगे चले जाएगा तो फिर ये energy खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि वो energy जो फिर हमने apply की वो store नहीं होगी बल्कि वो उस मुकम्मल deform कर dislocate करने के लिए atoms को वो use हो जाएगी, ठीक है। फिर वो स्टोर है, लेकिन यहाँ स्टोर है कि जब हम काम करेंगे एक तरह से मटेरियल में चेंज लाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में या स्ट्रेन प्रोड्यूस करेंगे तो ये परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं। तो इसलिए वो एनर्जी के अंदर डिफॉर्मेशन जब थोड़ी भी डिफॉर्मेशन आई तो वो एनर्जी उसमें स्टोर है जो उस डिफॉर्मेशन को वापस मतलब ओरिजिनल हालत में या ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन मटेरियल को ले आने के लिए यूज होगी। वो एनर्जी क्या कहलाती है? स्ट्रेंथ। और इसका फार्मूला हमने क्या इन टाइम हम दो फार्मूले हमने ट्राई किए दोनों मेथड से। तो आज का पूरा वाला फार्मूला क्या है? स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये क्या बुक का फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आगे बढ़ता नहीं थी आगे चेंज है नहीं थी एरिया जिसपे लग रहा है लग गया फोर्स हो ये मॉडल से आप प्लास्टिस इसको फिर आप पूछे, ठीक है। क्यों ये तो आर दूसरा फार्मूला हमने क्या ट्राई किया था? दूसरा फार्मूला इन टर्म ऑफ स्ट्रेस
जिसमें हमने ये प्रूव किया था कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जीज या स्ट्रेन एनर्जीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस का स्केल कीपिंग ऑल अदर पैरामीटर कांस्टेंट, जो हमें ये बताता है कि क्या कि लोड, चूंकि आगे लोड भी तीन तरह के होती हैं, ग्रेजुअली जो हम अप्लाई करते हैं, सडन अप्लाई करते हैं या इम्पैक्ट लोड होते हैं, तो हर एक लोड की वजह से एनर्जी पे डिफरेंट स्टोर होती है, ठीक है, वो तब हमें पता चलेगा कि एनर्जी और लोड का आपस में क्या है। तो ये दूसरा मैंने आपको ड्राइव करवाया था जिसमें एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड, तो वहां से आप उन तीनों के लिए फिर एनर्जी निकाल सकते हो जिसके बारे में भी आपसे पूछा होगा, वो चेक कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो आपके पास है जी, के हाउ इट कैन बी, दिस एनर्जी कैन बी फाइंड फ्रॉम फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। तो वहां भी जो ग्राफ ड्रा किया था, ये आई फोर्स लाइट जो स्ट्रेन प्रोड्यूस करेगी, और ये आई स्ट्रेन में इंटर मास चेंजेस अब कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है कि जब हम प्लास्टिक रीजन में चले जाते हैं तो ये ट्रेपेजियम बनता है, तो ट्रेपेजियम के लिए इसे निकाल लेते हैं। हालांकि ऐसे है कि प्लास्टिक रीजन में चले जाएंगे एनर्जी स्टोर नहीं होगी, अगर प्लास्टिक रीजन में एनर्जी स्टोर है तो वो वापस आते हैं, वो तो परमानेंटली काम करने के लिए यूज होगी, उसके अंदर एनर्जी स्टोर ही कोई स्ट्रेन एनर्जी उसमें नहीं होगी, ठीक है, वो वैसे ही लिखा हुआ कहानी अपने से। अच्छा, नेक्स्ट है के डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, एक्सप्लेन डिफरेंस, एक्सप्लेन द डिफरेंस अमंग इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इंसुलेटर सेमीकंडक्टर इन टर्म ऑफ एनर्जी बैंड थी। टाइप क्या हो? अच्छा, ये शॉर्ट में बता देते हैं कि एनर्जी बैंड थी मतलब बैंड्स की स्पेस पे बनती। तो आपने कहा कि जब हम क्रिस्टल बनाते हैं एक दूसरे दूसरे के करीब लाते हैं, ठीक है ना, जब हम एटम के दूसरे के करीब लाते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, देयर आर डिफरेंट इंटरेक्शन अमंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स, कि जो एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं डिफरेंट वे से इंटरेक्शन होती है दूसरे नेबरिंग एटम्स के साथ, नेबरिंग एटम के इलेक्ट्रॉन उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं न्यूक्लियर, और डिफरेंट इंटरेक्शन की वजह से इंटरमिक्सिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाती है। क्या होते हैं? इंटरमिक्सिंग ऑफ क्रिस्टल में जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इंटरमिक्स हो जाते हैं, देन देयर इज नो फर्दर वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन एस इलेक्ट्रॉन आर पी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो इंटरमिक्स मिल जाते हैं जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एंड देयर आर नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स आर फाउंड, ठीक है, जब इंटरमिक्सिंग होती है तो नंबर ऑफ एनर्जी states bani permissible energy states and that permissible energy states are known as energy band, unko hum kya kehte hain, energy band, aur teen tarah ke main energy band bante hain, conduction band aur valence band, aur beech mein forbidding band, forbidding band ko aap energy gap bhi kehte hain, theek hai, wahan electron reside nahi kar sakte, lekin jab lower energy state mein atom hoga to ground valence band mein electron hoga, तो जब हम हीट अप करेंगे, ठीक है, एक तरह से एक्साइट करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जंप कर जाएंगे, इंडक्शन, और जो हमारे पास सॉलिड्स होते हैं उनका दरमियान वाला जो बैंड होता है लाइक फॉरबिडन एनर्जी के वो सबसे ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप टू 10 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होते हैं,
ठीक है, लाइक इस तरह डायमंड में 6 इलेक्ट्रॉन थोड़ा 6 से जाए, तो इंसुलेटर के लिए हो गए सबसे ज्यादा, तो उससे कम फर्मेंट में चाहिए किसके लिए होते हैं सेमीकंडक्टर लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन, और कंडक्टर या मेटल्स के लिए वो गए होते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन को आप जिस सारे हमने प्रीवियस टॉपिक्स में किए हुए तो आप इसको देख लेते हैं, जहाँ सेमिनार को मुझसे पूछते हैं।